9 साल बाद भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है। नाम है एस जयशंकर। एस जयशंकर मोदी सरकार के वो मंत्री हैं जो बोल्ड डिसीजन लेने वालों में गिने जाते हैं। उनकी विदेश नीति ने हर बार भारत का फायदा ही कराया है, लेकिन इस बार उनके पाकिस्तान जाने के पीछे क्या रणनीति है ये वही जानते हैं, क्योंकि पिछले 9 सालों से तो भारत का कोई नेता पाकिस्तान नहीं गया था। आपको बता दें कि साल 2015 में सुषमा स्वराज के बाद किसी भी भारतीय नेता का ये पहला पाकिस्तान दौरा होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। वे इस्लामाबाद में SCU के हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस विजिट की पुष्टि की है। आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2015 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। उनके इस दौरे के बाद से भारत की किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की, लेकिन क्यों? इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का एक लंबा इतिहास है, जिसका मुख्य कारण कश्मीर मुद्दा और पाकिस्तान में पनपने वाला आतंकवाद है। उरी हमले के बाद बढ़ा था तनाव। दरअसल 2016 में भारतीय जवानों के वेश में 4 आतंकी उरी में भारतीय सेना के हेडक्वार्टर में घुस गए थे। 3 मिनट के अंदर आतंकियों ने 15 से ज्यादा ग्रेनेड कैंप पर फेंके। इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। हमले का जवाब देने के लिए 28-29 सितंबर की रात भारतीय सेना ने POK में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। तड़के तक ऑपरेशन पूरा कर भारतीय सेना वापस लौट आई। इस हमले में 38 आतंकी मारे गए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। आर्टिकल 370। दोनों मुल्कों के बीच तनाव 2019 में उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गया था जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर पर अपना झूठा राग अलापता रहा है। यही वजह है कि भारत ने 2019 के बाद पाकिस्तान के साथ कोई हाई लेवल बैठक नहीं की। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम भी साल 2018 के बाद कभी भी मैच खेलने पाकिस्तान नहीं गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत से ही कोई नेता पाकिस्तान न गया हो, पाकिस्तान का कोई नेता भी भारत नहीं आता। पिछले साल मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में SCU की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। वे लगभग 12 सालों में भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री थे। वहीं अब SCO की बात करें तो SCO में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत ने पिछले साल वर्चुअल मोड में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑनलाइन हिस्सा लिया था। इस साल पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है।